किसान के पास पहुंचना, किसान को सूचना देना और किसान का जो समस्या है उसके बारे में समझना, किसान का जो अभिज्ञता है, जो ज्ञान है उससे सीखना, और एक किसान जो सीखा है उसके बारे में दूसरे किसान को बताना, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि किसान का आमदनी दुगुनी करनी है, उस दिशा में क्या कदम उठाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करना, और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, इनोवेशंस क्या चाहिए ताकि हम ये जो हमारे लक्ष्य है इसको हम पूरा कर सकते हैं 2022 तक, तो उसके लिए विशेष रूप से वार्तालाप करना किसान भाइयों बहनों के साथ। इसका उद्देश्य है ये कृषि उन्नति मेला का। इस बार एक हम सेशन रखे हैं जहां हमारा इनोवेटिव फार्मर का साथ चर्चा है, उनका जो अभिज्ञता है, जो ज्ञान है, जो कौशल है उनके पास, उसके बारे में पता करना, उसका सफलता का राज क्या है उसको समझना, और दूसरे किसान भाइयों को सामने उसको पेश करना, ये एक बड़ा नया कार्यक्रम हम रखे हैं। बाकी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और पशुधन के ऊपर है, मछली के ऊपर है, यांत्रिकरण के ऊपर है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के ऊपर है, और किस तरीके से कम जल में हम ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं उसके ऊपर विशेष हमारे एग्जीबिशन भी है और क्षेत्र प्रदर्शनी है, और तो ये एक नया चीज़ जो है इस बार दिखाया जाएगा उनको। और पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी को साफ करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी किसान भाई बहन को दिखाया जाएगा कैसे करते हैं, फिर उसका इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जिसको प्रदर्शनी होगा, चर्चा होगा, और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होगा, तो मैं आशा करता हूँ वो पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, किसान भाई बहन आएंगे, और जितना किसान भाई बहन आएंगे मैं तो उनको उनके पास निवेदन करूँगा जो किसान भाई बहन आए और पूसा संस्थान में और पूसा प्रांगण में और कृषि उन्नति मेला का भरपूर फायदा उठाएं और अपना आमदनी बढ़ाएं और देश को मजबूत करें।